मैं अमित फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं। जैसे कि हम इस वेबसाइट डेवलपमेंट की सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं कि कैसे जैम्प इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं, कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, कैसे थीम को एक्टिवेट करते हैं, कैसे मेनू सब मेनू बनाते हैं, कैसे परमालिंक सेट करते हैं, कैसे हम पोस्ट क्रिएट करते हैं। अभी पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को पोस्ट क्रिएट करना और कैटेगरी बनाना सिखाया था। यदि आप लोगों को ये जब अभी तक जो हमारी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है, यदि आप लोग अभी तक आप लोग को अभी तक नहीं देखे हो, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ जाकर उसे देखिए और उसे देखकर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि ये जो हम स्टेप बाय स्टेप अभी करते चले जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये बहुत थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और तो इस ट्यूटोरियल में हम आप कैसे मतलब पेज क्रिएट करते हैं, इसके बारे में हम इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताएंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, लोकल होस्ट अपना ऑन करना है, जो मैंने आपको पहले पिछले वीडियो और कई इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो भी मैंने आप लोगों के लिए बनाया। आपको अपना लोकल होस्ट सर्वर ऑन करना है। ऑन करने के बाद अपना लिखना है लोकल होस्ट और प्रोजेक्ट का नाम। जैसे मेरे लोकल होस्ट और प्रोजेक्ट का नाम था WMK। अब लिखने के बाद यहाँ पर टाइप करना है WP admin। जैसे ही आप WP admin टाइप करोगे, आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के तरफ चले जाओगे। ये देखिए हमने कर दिया, करके इंटर प्रेस किया। अब देखिए ये हमें हमारे वर्डप्रेस की तरफ रिडायरेक्ट करेगा। तब तक ये देखिए हो गया। तो यहाँ पासवर्ड हमारा admin हमने रखा था, सिंपल पासवर्ड रखा हुआ है, टेस्टिंग पर्पज था, इसलिए हमने सिंपल पासवर्ड का यूज़ किया था। अब जो है हम इसके डैशबोर्ड में पहुँच गए। अब यहाँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में पहुँच गए। अब आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सारा कुछ जैसे आप पोस्ट में मैंने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में पोस्ट बनाना था, तो आप पोस्ट मेनू पर क्लिक किए थे। अब आपको पेज बनाना, तो आपको सिंपली पेज मेनू पर क्लिक करना है। पेज जो आइकन यहाँ दिख रहा है, पेज ये मेनू जो आपको हॉरिजॉन्टली दिख रही है, मतलब वर्टिकली यहाँ पे जो दिख रही है, तो आप इसको ऐसे जब होवर करोगे या अपना माउस यहाँ पे ले जाओगे तो आपको दिख जाएगा, या उस पर क्लिक भी कर दोगे तब भी आप इस पेज पे चले जाओगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ ऐड न्यू पेज करना है, इस पर ऐसे क्लिक करना है। ऐड न्यू पेज करोगे तो आपको एक यहाँ पे पेज का टेम्पलेट खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप अपना पेज का टाइटल लिखोगे, यहाँ पे आप उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखोगे, ठीक है, और यहाँ पे जो है पेज टेम्पलेट आप असाइन करोगे। तो ये जो टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, इसको इसके बारे में हम आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि ये जो है यहाँ पे बता रहा है कस्टम टेम्पलेट, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद बता देंगे, क्योंकि ये पेज हमारा क्रिएट होने के बाद हमको कस्टम टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से जो है हम अपने अकॉर्डिंग कस्टम टेम्पलेट हम डिजाइन करते हैं। दोस्तों कस्टम टेम्पलेट होता क्या है, कस्टम टेम्पलेट किसी भी वेबसाइट का जो फ्रंट पेज होता है उसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना कस्टम टेम्पलेट होता है। जैसे कि मैं कोई भी वेबसाइट की बात करें, सपोज जैसे कि हम कोई न्यूज ही खोल लेते हैं, अमर उजाला, कोई भी वेबसाइट हम खोल रहे हैं अमर उजाला, मैंने ऐसे क्लिक किया, ओपन किया। ओपन करने के बाद ये जो फ्रंट पेज आएगा अमर उजाला का, ये जो फ्रंट पेज आ रहा है, इसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना हम जो है कस्टम टेम्पलेट का यूज करके मैनेज करते हैं। जैसे यहाँ पे मेनू आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे इमेज आना चाहिए, यहाँ पे कंटेंट आना चाहिए, ऐसे ही इसके अकॉर्डिंग, या कोई भी वेबसाइट का जो फ्रंट पेज मैनेज करना, जैसे कि अब हमारे हमारी जो लोकल होस्ट की बात कर लेते हैं, जो हमारी ये वेबसाइट है वेबसाइट मेकिंग की, ये जो मैं आप लोगों को लोकल प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, अब इसमें देखो, अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो कैसे ये आ रहा है, अच्छे से नहीं आ रहा, यहाँ पे पोस्ट आ रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरी पोस्ट ना शो हो, जो हमने पिछले जो वीडियो ट्यूटोरियल पोस्ट बनाया था यहाँ शो हो रहा, हम चाहते हैं यहाँ पोस्ट शो ना हो, यहाँ अपना खुद का डिजाइन शो हो, उसके लिए जो है हम कस्टम टेम्पलेट का यूज करते हैं। तो फिलहाल अभी हम सिंपल पेज बनाते हैं, पेज बनाने के बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम कस्टम टेम्पलेट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और कैसे इस पेज में हम अपने कस्टम टेम्पलेट को असाइन करेंगे। अभी बाय डिफॉल्ट हमारा कस्टम टेम्पलेट जो असाइन होता है वो डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है, और ये जो शो टेम्पलेट, साइड बार टेम्पलेट, ये मैंने बनाया है, दूसरी तरफ मैं आपको बताऊंगा। तो आते हैं हमने पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम सिंपल कोई भी टाइटल लिख देते हैं। जैसे कि हमने इसके लिए डमी कंटेंट ले रखा है, तो टाइटल के लिए जैसे कि हमने यहाँ पर कोई भी टाइटल लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया, इतना यहाँ से कट किया, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जो है हम यहाँ पे पेस्ट कर दिए, और उसके बारे में
थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख दिया। तो डिस्क्रिप्शन हम कोई भी उठा लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक डिस्क्रिप्शन उठा लिया, और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे टेक्स्ट विजुअल में जाके हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये डिस्क्रिप्शन दे दिया, ये हमारी टाइटल हो गया, ये डिस्क्रिप्शन होगा। और हम इसको अपने अकॉर्डिंग चाहेंगे, जैसे हम चाहते हैं ये सेक्शन हमारा जो इटैलिक हो, तो हम इसको सेलेक्ट करके माउस से सेलेक्ट करके यहाँ से इटैलिक कर देंगे। यदि हम चाहेंगे कि यहाँ पे कोई लिंक आए, जैसे हमने पोस्ट में बताया था, ऐसे करके हम यहाँ से लिंक ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे यदि कोई क्लिक करे तो हो, तो हमने इसी का लिंक लिंक दे देना है। तो हमने यहाँ पर गया और ऐसे जाके यहाँ पर लिंक दे दिया। और हम चाहते हैं वो सेम पेज पे खुले या नेक्स्ट पेज पे खुले, उसके लिए हम यहाँ पे टिक करेंगे। लेकिन यदि हम इस पर क्लिक कर देंगे तो वो नेक्स्ट विंडो में खुलेगा। यदि मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा तो ये जहाँ है वहीं पर उसी पेज पे मतलब ओपन हो जाएगा। तो हम इसे ऐड लिंक पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा लिंक ऐड हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इमेज चाहते हैं तो यहाँ पर हम ऐसे करके यहाँ से ऐड मीडिया इमेज करके कोई भी हम इमेज यूज यूज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि हम हमारा कोई भी इमेज, सपोज हम जैसे इसी को ले लेते हैं इमेज को, तो हमें सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से देखिए आप कुछ साइज क्या है, मीडियम है, थंबनेल ले लें फुल साइज, फुल साइज क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट वो मीडियम हो, थंबनेल होता है, मीडियम होता है, फुल साइज होता है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को हर एक चीज बताते चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी सपोज आप लोगों को छोटी सी इमेज चाहिए होगी तो उसके लिए थंबनेल यूज करना है, यदि उससे बड़ी चाहिए तो मीडियम, यदि आप फुल साइज करना चाहते हो तो खुद ही इमेज मेरी छोटी है तो इसलिए मैंने फुल साइज पर सेलेक्ट करके इसको इंसर्ट पोस्ट कर दिया। ये हमारी जो है इंसर्ट हो गई। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ऐसे पब्लिश कर देना। जब पब्लिश हम करेंगे तो ये हमारा पेज जो है बन गया। अब इसको देखने के लिए व्यू करके हम इसको देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो ये हमारा पेज बन गया है। ठीक है, कंट्री टू पॉपुलर बिलीफ हो गया। यहाँ पर देखिए हमारा लिंक है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसी पेज पर खुल जाएगा, ये न्यू पेज पर नहीं खुलेगा। देख रहे हैं कि हमने अमर उजाला का लिंक लगाया था। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको इटैलिक कर दिया था, यहाँ पर हमने जो अभी इमेज था वो कर दिया था। तो ऐसे हम बनाते हैं। और इन पेज को बनाने के बाद हम जो है इनको मेन्यू में कैसे असाइन करते हैं वो भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर फीचर्स इमेज का भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं यहाँ पर हमारे फीचर इमेज शो हो तो हम कोई भी फीचर इमेज यूज कर ले, जैसे हम इसी को ले लेते हैं। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं एंड अपडेट कर देते हैं। एक बात दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पेज कभी भी कैटराइज नहीं होता है। ठीक है, और पोस्ट जो है कैटराइज होते हैं। कभी कई बार इंटरव्यू में पूछ देते हैं कि क्या डिफरेंस होता है पेज और पोस्ट और पेज में। पोस्ट और पेज में बस यही होता है कि जैसे जो हम पोस्ट जो हमारा होता है उसको हम कैटराइज कर सकते हैं, कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम उसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी मैंने फीचर इमेज लगा दिया तो यहाँ पे आने लगा और यहाँ पे ऐसे आ रहा है उस तरह से, लेकिन पेज को हम कैटराइज नहीं कर सकते, पेज को हम टेम्पलेट असाइन करते हैं। ठीक है, यदि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बाय डिफॉल्ट नहीं कर सकते हैं। यदि आप चाहोगे कि हम पेज को भी कैटराइज करें तो उसके लिए प्लगइन आते हैं और कस्टम कोड से भी आप कर सकते हो, तो इसके लिए वो नहीं होता। लेकिन एक नॉर्मल डिफिनीशन यही हो सकता है, आप बता सकते हो कि पेज को हम कैटराइज नहीं कर सकते हैं और पोस्ट को हम कैटराइज करते हैं। जैसे पोस्ट बनता है वैसे पेज बनता है। पेज क्या होता है, पेज जो है हमारे फ्रंट पेज के लिए काम आता है, पोस्ट जो है ब्लॉगिंग के लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये पेज कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने कैसे पेज बनाते हैं वो हमने बना लिया यहाँ पे। और एक और पेज बना लेते हैं, कुछ नहीं करना है, ऐड न्यू पे जाते हैं, सिंपल कोई दूसरा पेज बनाते हैं हम। यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं ये एंड इस पे जाते हैं। जाने के बाद हम यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दिए, हाउ टू क्रिएट ए पेज इन वर्डप्रेस, यहाँ से पब्लिश कर देते हैं। ये देखिए हमारी पेज बन जाएगी। तो ये हमारी पेज देखिए यहाँ पे बन गई, देख रहे। लेकिन अब इन पेज का हम यूज कैसे करेंगे, पोस्ट यदि हम किए रहेंगे, मैंने पीछे वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताया था, डैशबोर्ड पर जाते हैं, हमने पोस्ट को यहाँ से जाके हमने पोस्ट को क्रिएट किया था, ऐड ए पोस्ट, यहाँ पोस्ट बनाया था, उसके बाद यहाँ से कैटेगरीज बनाई थी, इसी में यहाँ से कैटेगरीज बनाई थी, या इसी ऐड ए पोस्ट करते समय भी हम यहाँ से इसी पेज से कैटेगरी बना बना लेते हैं, यहाँ पर अपना ऐड न्यू कैटेगरी करके, ऐड न्यू कैटेगरी करके बना लेते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ, आप लोग एक बार उसे विजिट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी हम अपडेट आप लोगों को करें वो आप लोगों को
इजीली मिल जाए और आपके मोबाइल पर मिल जाए, आपको ईमेल से नोटिफिकेशन आ जाए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, तो ये पोस्ट नहीं बात, पोस्ट मैंने बता चुका था। अब मैंने पेज के बारे में मैंने बता दिया हूँ, सेम चीज यही है। अब देखिए यहाँ पर कैटेगरी आ रही है, यहाँ पे पेज में कैटराइज नहीं कर सकते। मैं आपको एक जब भी एग्जाम्पल भी बता दिया यहाँ पे कि हमने पोस्ट को कैटराइज कर सकते हैं और पेज को कैटराइज नहीं कर सकते। पेज को हम ओनली टेम्पलेट बनाएंगे, टेम्पलेट हम असाइन करते हैं, कैटेगरी को हम टेम्पलेट असाइन नहीं करते। ठीक है, तो टेम्पलेट बनाना इसके बाद वीडियो में हमने बता देंगे। अब जैसे यहाँ पे जो है, अब जो है हमने सारी की सारी जो पेजेस बनाई हैं, उस पेज का तभी फायदा है जब वो पेज हमारे मेनू में दिखाई दे। क्योंकि ये जो मेनू में जो दिखाई दे रही है आपको देश, ये पेज है। ठीक है, अब इस पर क्लिक करोगे तो शहर का सारा सब आएगा। अब पेज पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर ये सब मल्टीपल पोस्ट ऐड कर दी गई है या पेज ऐड कर दिया गया अपने अकॉर्डिंग टू। ये कोई भी वेबसाइट है, यदि मैं अपने tripatikek.co.in की ही बात करूं जो हमने अपने क्लाइंट के लिए बनाया था, तो इसमें भी सेम चीज़ है। कोई भी वेबसाइट में यही मतलब रूल फॉलो होता है कि हम पहले पेज बनाते हैं, पेज बनाने के बाद हम उसको एज ए मेनू असाइन करते हैं। मेनू बनाने असाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, अपीयरेंस में जाना है, ओवर अपीयरेंस पर क्लिक करोगे तो आपको मेनू दिखेगा, मेनू पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप मेनू पर क्लिक करोगे तो ये जो आपने पेज जो बनाया हूँ मैं, ये दोनों पेज हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। तो हमें करना क्या है, हमें ये जो दोनों पेज दिखाई दे रहे हैं इसको चेक करके ऐड मेनू पे क्लिक कर देना है। ऐड मेनू पे क्लिक करेंगे तो ये जो दोनों पेज हमारे मेनू में भी शो करने लगेंगे। अब देखिए, अब जैसे ही हम इसके अपने वेबसाइट पे गए, ठीक है, यहाँ पे देखिए वो मेनू हो रहा है। अब इस पर हम क्लिक कर लेंगे तो इस पेज पे हम चले जाएंगे। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे, ये जो हमने पेज बनाया है इस पर हम चले जाएंगे। तो हम जब भी पेज बनाते हैं, पेज बना के हम उसे अपने मेनू में असाइन कर लेते हैं, एज ए मेनू असाइन कर लेंगे या सब मेनू असाइन करना है, कुछ नहीं करना। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, जैसे कि मैंने इसके हाउ टू क्रिएट ए पेज के नीचे ये इसको ड्रैग कर दिया। अब मैंने इस पेज का ये सब मेनू बन गया, इस पेज का ये दोस्तों सब मेनू बन गया। अभी देखिए एक साथ है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। अब जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो इस पेज का ये जो है सब मेनू बन गया। ठीक है, इसी तरह। ठीक है, तो अब प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे हम आप लोगों को एडवांस लेवल पे लेके चले जाएंगे। तो इस प्रकार जो है हमारा ये जो है सेक्शन जो हाउ टू क्रिएट ए पेज या हाउ टू मेक ए पेज जो है कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ पे इसको डन लिख देते हैं। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको कस्टम टेम्पलेट बताएंगे कि हम कैसे कस्टम टेम्पलेट बनाते हैं और कैसे उसका हम फ्रंट पेज पे यूज करते हैं। ठीक है, कैसे टेम्पलेट हम बनाते हैं, कैसे उस टेम्पलेट को हम जो है यहाँ से जाकर असाइन करते हैं। पहले बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है, उसको कैसे हम अपना टेम्पलेट असाइन करते हैं एंड कैसे वो चीज़ हम हमारे पे यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ये हम कस्टम कोडिंग के थ्रू करेंगे। ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। ठीक है, तब तक के लिए बस इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, करते रहिए। मिलते हैं न्यू वीडियो ट्यूटोरियल में। ओके, बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, हैप्पी कोडिंग, जय माता दी।